छिंडे इलाके में थाइन गुजरान एक सेंटर पर आई हूँ जिसका नाम है थाइन गुजरान ओल्ड। ये सक्षम आंगनवाड़ी सेंटर है। यहाँ पे हमारी आंगनवाड़ी वर्कर्स 2 सेंटर 3 सेंटर की है और कुछ बच्चे हैं। यहाँ मैंने अपने साथ एक आधार ऑपरेटर भी लाया है क्योंकि आज हमारा एक ये चल रहा है, एक सर्वे चल रही है। जो आधार हमारे होते हैं बच्चों के, वो अभी हमें इस पोर्टल से लिंक नहीं होते हैं क्योंकि किसी बच्चे का आधार माँ के लिंक से जुड़ा हुआ है, इसलिए हमें इन बच्चों के आधार अलग बनाने पड़ते हैं ताकि इनका नाम रजिस्ट्रेशन अच्छी तरह से अपने पोर्टल में चढ़ सकता। तो जो ये सेंटर है ये सक्षम आंगनवाड़ी सेंटर है। कुछ सेंटर हमारे स्कीम आई है जिसमें हमें सक्षम आंगनवाड़ी सेंटर को हर एक फैसिलिटी अवेलेबल है। जैसे कि आप देख रहे हैं हमने यहाँ पे एक LED स्मार्ट TV लगाया है। इसमें हम जो भी इसकी प्री स्कूल एक्टिविटीज है, चाहे राइम हो चाहे कुछ भी हो, इनसे सिखाई जाती है। सक्षम आंगनवाड़ी के सेंटर में हमने प्री स्कूल किट भेजे गए हैं जो मल्टी कलर में होते हैं, जिसमें बच्चों का कलर कंसेप्ट होता है। सारी प्री स्कूल एक्टिविटी इन्हीं चीजों से होती है जो प्री स्कूल को प्ले वे मेथड में होती है। मैं अपने वर्करों से यही कहना चाहती हूँ कि जो भी 0 से 6 साल तक के बच्चे हैं उनको आप जल्द अज जल्द इस अपने आंगनवाड़ी सेंटर में इनरोल कर दीजिए, अपने पोषण ट्रैकर पर चला दीजिए। क्योंकि हमारा काम आज कागजों में नहीं है, वो पोषण ट्रैकर पर है, वो DBT मोड पे आया है। हमारे जो भी बच्चे हैं वो हमारे पोषण ट्रैकर पर इनरोल होते हैं। वो आप खुद भी अगर किसी सेंटर का कोड या पासवर्ड दे सकते हो, आपको नजर आएगा कि हमारे सेंटर में कितने बच्चे हैं। जो हमारे सेंटर में बच्चे होने चाहिए वो हमारे होते हैं, लेकिन कुछ अवेयरनेस कम है, इसलिए कि कोई अपने बच्चों को आंगनवाड़ी सेंटर में अभी भी नहीं भेजता है। कहता है कि ये दाल सेंटर है, ये दाल सेंटर नहीं है, ये KG सेंटर है, किंडरगार्टन सेंटर है। इस वक्त यहाँ पे पढ़ाई होती है, किताबों से नहीं होती है, प्ले वे मेथड में होती है। इनके माँ बाप को, इनके पड़ोसियों को, अपने वर्कर्स को यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो भी बच्चा आपका अनकवर्ड है उसको अपने सेंटर में दर्ज करवा दीजिए ताकि